हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी बच्चों, हमने सूखी डाली लेसन अटेंड किया था, जिसका हाफ भाग रहता है उसका कुछ भाग आज हम करेंगे, जो कि पेज नंबर 166, 167 और 168 है। हाँ जी बड़ी बहू, बैठिए बैठिए। मंजली भाभी, आप भी बैठिए। बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर मार रखे जल्दी जल्दी चली जाती है। मंजली भाभी जैसे अपने आप से प्राण का सा, बाहर से मंजली बहू के कहे कहे की आवाज़ आती है। दूसरी सहन वह इंदु और पारो के कंधे पर झूलती हुई बाहर के दरवाजे से आती है। इंदु सच, मंजली बहू हंसी रोक कर, और क्या मैं झूठ कह रही हूँ, मैंने अपने इन दोनों आंखों से देखा। मलावी ने सारी की सारी छत पावड़े से खोल डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, भाई मुझे भी बताना क्या किया मलावी ने। सच, मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धस जाती है। उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसका कर समीप होते हुए पांसी साल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मलावी ने। मंजली बहू, मैं कहती हूँ, मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मोटर मोटर सब ठाका लगाती है। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खो डाली यह तो बताओ। मंजली बहू, रसोई की और कौन सी, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए थी कि राज मजदूर छत डालकर गए थे और बंसीलाल कारीगर और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाली। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब पहुँचे जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी। तब क्या बस ताका किए मोटर मोटर। मजली भाभी को छोड़कर सब हंसती है। मंजली भाभी, पर बंसीलाल का लड़का। मंजली बहू, गली के सिरे पर खम ठोस कर रखा है, जंगा पर हाथ मारकर बताती है कि कैसे खम ठोक रहा है। इंदु, खम ठोक रहा है। मंजली बहू कहा कह खा कर लगाती है, सच खम ठोक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं ड्यूटी की छत खो डालूँगा, मैं मकान को खंडर बना दूँगा, मैं यह कर दूँगा, मैं वह कर दूँगा। और इधर मलावी कमर से कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पाव घर के भीतर। सब हंसती है। इंदु उंगली होठों पर रखकर भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप क्यों हो गई, जरा हंसकर किस बात पर ठहाके लगाए जा रहे थे। मंजली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंजली बहू जल्दी से उठकर, आइए आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चारपाई से उठ जाती है। आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर निर्वता छा जाती है, उसमें एक प्रकार की घुटन। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों। बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी, जो ही जाते जाते खड़ी हो गई,
मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। हंसिए ठाके लगाइए। मजलिबू, मैं कहती थी ना कि इस और न आओ, मेरी वही आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक यही जगह थी बैठने को। मंजलिबू, हम हंसती हैं तो हंसती दिल से और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलन आता है तो वे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मंजली बहू, तुम भूल गई हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं। मैं चली जल्दी जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी, ठीक है तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो। हम तो बहू गोदाम में जा रही थी, चलो गेहूँ छिटवा लें। छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा दिन और महरियाँ चली जाएगी। बड़ी बहू, मैं तो फंस गई मंजली की बातों में, चलो चलो। दोनों चली जाती है। मंजली बहू, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, वहाँ चल कर बैठें। पारो चलते हुए, मुझे तो जाना है भाभी, लल्ला आ गया होगा, न मिली तो चिल्लाएगा। मंजली बहू अपने आप से, जो छोटी बहू तो उकाब सी आकर सबको डरा गई। पारो चली जाती है। बाहर से बड़ी भाभी आती हुई दिखाई देती है। मंजली बहू भाग कर उसके पास जाती है। बड़ी भाभी, सुनी तुमने मलाबी की बात खोद डाली, उसने सारी की सारी साता कहा कहा कर हंसती है। बड़ी भाभी, मलबी ने छत खोद डाली। मंजली बहू, उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हूँ। हा हा, अभी राज मजदूर छत बना कर गए थे कि आ गई मलावी मारो मार करती। बड़ी भाभी पर, मंजली बहू चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ, जहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में वादा पड़ेगी। उसे साथ लेकर अपने कमरे में जाती है। बाहर से परेश और बेला बातें करते प्रवेश करते हैं। बेला अर्धकंठ से, आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसा मैं अपरिचितों में आ गई हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। हाँ जी, इस वीडियो का जो आगे वाला भाग है वो आपको अगली वीडियो में भेजा जाएगा। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।